गाइज, दिस इज फलक मालविया, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज इस वीडियो में मैं आपको पोन्स बीबी क्रीम का डेमो और रिव्यू करके बताने वाली हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे आप क्लिक करिएगा, तभी आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ में ये पोन्स बीबी क्रीम की रिव्यू शेयर कर रही हूँ। बात करते हैं पैकेजिंग की, तो ये इस तरह की आपको एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव होता है। पिंक कलर का इसका बॉक्स है। देन सेकंड हम लोग देखते हैं इसका क्या प्राइस है। यहाँ लिखा हुआ है 120 MRP, बट मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया था, तो मुझे आफ्टर ये 10-20% डिस्काउंट पर मिला था। आप इजीली इसे या तो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, या फिर आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से या फिर कोई भी जनरल स्टोर से आप इसे परचेस कर सकते हैं। आपको इजीली अवेलेबल ये हो जाएगा। देन अब मैं बात करती हूँ इसकी क्वांटिटी की, तो आपको ये 120 रुपीज़ में 18 ग्राम्स आपको मिल रहा है। देन अब हम बात करते हैं इसके शेड की, तो जो मेरे पास शेड है ये है 01 ओरिजिनल शेड। इसमें आपको दो शेड्स अब अवेलेबल होने लगे हैं, 01 एंड 02। अगर आपका स्किन टोन फेयर टू मीडियम है तो आप 01 खरीदिएगा। अगर आपका स्किन टोन डस्की स्किन टोन है तो आप फिर 02 शेड लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। तो यहाँ पर आपको इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ इसकी आपको मिल रही है। एंड देखते हैं कंपनी क्या क्लेम करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यूअल बेनिफिट्स ऑफ फेयरनेस क्रीम एंड लाइट वेट फाउंडेशन। इस बेबी क्रीम का आपको दो प्रकार से फ़ायदा होगा। इसमें लिखा हुआ है ये आप एक तो आपको फेयरनेस क्रीम की तरह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और एक अगर आप चाहते हैं बिल्कुल एक लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ करना तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट स्पॉट कवरेज एंड नेचुरल ग्लो ऑन द आउटसाइड। आपके फेस पे आपको ये नेचुरल ग्लो देगी। अगर आपके फेस पे कोई भी स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो उसको ये कवर करेगी। लाइटन्स योर स्किन एंड स्पॉट्स फ्रॉम इनसाइड। आपकी स्किन को भी ये लाइटन करेगी और जितने भी स्पॉट्स हैं उसको भी ये लाइटन करेगी। इवन स्किन टोन, अगर आपकी स्किन टोन अनइवन है कहीं से भी तो उसे भी ये इवन करेगी। नेक्स्ट थिंग इसमें दी हुई है विथ SPF 30 फॉर सन प्रोटेक्शन। सो सबसे बेस्ट थिंग इसमें यह है कि इसमें SPF आपको 30 मिल रहा है। यदि आप इस बीबी क्रीम को लगा के सन में जाते भी हैं तो ये आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें SPF 30 है। नो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, आपके पोर्स को ये क्लॉग नहीं करेगा। लाइट नॉन ऑयली टेक्सचर, काफ़ी आपके स्किन पे आपको लाइट फील कराएगा। एंड इसका जो टेक्सचर है नॉन ऑयली, आपके फेस में चिपचिप या फिर इस तरीके से आपको फील नहीं होगा। सो आइए फ्रेंड्स, हम इसे ओपन करके देखते हैं। देख सकते हैं इस तरह की वाइट कलर की ट्यूब में मुझे रिसीव हुआ है। सिल्वर कलर का इसका कैप है, इस तरीके से ये ट्यूब के फॉर्म में है। फ्रेंड्स अब इसे मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने से पहले आपको अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना होगा। मैं यहाँ हिमालय की बेबी सॉफ्ट क्रीम एज ए मॉइस्चराइजर अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस पे। आप कभी भी अगर बीबी क्रीम यूज़ करें, चाहे आप सीसी क्रीम यूज़ करें, तो आप हमेशा अपने स्किन को पहले मॉइस्चराइज किए अच्छे से, उसके बाद ही फिर आप कोई भी बीबी या फिर सीसी क्रीम अप्लाई करिए अपने फेस पे। तो मैंने अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है, अब मैं ये बीबी क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। सो फ्रेंड्स, डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है और स्मेल भी काफ़ी इसकी माइल्ड है। जैसे फाउंडेशन का कलर होता है, ये उस तरीके से आपको उस कलर में आपको ये दिखाई दे रही। सो डॉट डॉट करके मैंने अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे कोई भी फाउंडेशन ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड करके बताऊँगी।
बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो गया है मेरे फेस पे। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से मेरे फेस पे ब्लेंड हो गया है और हल्का सा मेरे फेस पे एक इंस्टेंट सा ग्लो भी आ गया, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया और काफ़ी लाइट मेरे स्किन पे ये है, बिल्कुल कोई चिपचिप नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना इंस्टेंट ग्लो भी आ गया मेरे फेस पे और जितने भी मेरे फेस पे स्पॉट्स थे थोड़े थोड़े और ब्लेमिशेस थे वो भी इससे कवर हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप डेली इसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं और मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी। अगर आप कोई चाहते हैं अच्छा बीबी क्रीम परचेस करना तो आप पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। वन ऑफ माय फेवरेट बीबी क्रीम है ये, बिकॉज़ ये आपको बहुत लाइट वेट आपके फेस पे है, कोई चिपचिप नहीं कर रही है और आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी से आपके फेस पे ब्लेंड हो रही है, आपको बिल्कुल एक इंस्टेंट ग्लो भी आपके फेस पे दिखाई दे रहा होगा एंड आपकी स्किन ड्राई नहीं करेगी। अगर आप टीनेजर की एज में हैं तो आप अगर फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बीबी क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे तो ये बीबी क्रीम बहुत अच्छी लगी है और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इसे बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। सो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।